So, of का एक छोटा सा कल मैंने रिकॉर्डिंग um, डाला था और आज भी एक छोटा सा डालूंगी आई एम सॉरी आई एम बिजी विद समर्सनल स्टाफ सो स्टार्टिंग जनवरी ट्वेल्व नाइनटीन सेवेंटी फोर इससे पहले हमने देखा कि जनवरी एट एंड टेन पे कैसे चैनलिंग हुई थी कॉन्फेडरेशन की अब ये कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लान जो है जैसे कि पा ने बोला है कि सिर्फ एक नहीं है जैसे सिर्फ रा नहीं है और भी बहुत सारे आ, सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो आते हैं आते रहे हैं और चैनलिंग होती रही है जैसे कि लातवी के बारे में बताया था और एक दो और नाम लिए थे मुझे याद नहीं तो देखते हैं इसमें वो क्या कहते हैं इसमें वो कहते हैं कि हम जो हैं ये कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स से आए हैं जो हम रचेता की सेवा में लगे हैं हम आप जैसे बहुत सारे लोगों से मिलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप जैसे जो लोग हैं आप लोग जो हो आपका हमारी तरफ जो रिएक्शन है के हमारे बारे में जान के या हमारे क्राफ्ट को देख के आप लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हो रिएक्ट को हिंदी में कहते हैं आ, प्रक्रिया प्रतिक्रिया हमारी उपस्थिति के प्राप्ति के लिए काफी विविध है आ, बेसिकली उसका मतलब कि हमें देख के या हमें सुन के हर इंसान एक अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है रिएक्ट करता है और आ, कुछ लोग जानते हैं और समझ चुके हैं कि हम आ चुके हैं और कुछ लोग हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते वो कहते हैं मतलब जो लोग कहते हैं कि हाँ कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स या दूसरे ग्रहों से लोग आए हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है जिंदगी तो सिर्फ धरती पर ही है ना जैसा कि हमें स्कूल में सिखाया गया है पर यह हमें सिखाया गया है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये सच है तो वो कहता है कि काफी सारे लोग हम में विश्वास ही नहीं करते वो समझते ही नहीं जानते ही नहीं और मानना ही नहीं चाहते कि हम हैं और यही वजह है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि लोग हमें जाने हमें समझें और जब तक ये स्थिति नहीं आ जाती कि एक शख्स या एक कोई इंसान बहुत कोशिश करता है मेहनत करता है हमें ढूंढने की हमें जानने की हमारी हमारे अस्तित्व को समझने की मतलब कि हम हैं इस बात को सच साबित करने के लिए या मानने के लिए या हम हैं या हम नहीं हैं। जिस तरफ भी आप कोशिश करो रिसर्च करने की कि अगर कोई कहता है कि है इट इज एक्स्ट्रा -टेरेस्ट्रियल, या दूसरे ग्रहों से आए हुए लोग तो उसके लिए वो ढूंढने की और इसे साबित करने की कोशिश करे और अगर कोई समझता है कि हम नहीं है तो इसके लिए भी वो कोशिश तो करे कम से कम कोशिश करेगा तभी वो समझेगा कि नहीं हम सच में हैं और अगर अः इस खोज में अगर वो निकलते हैं तो उन्हें और बहुत सारे ख्याल आएंगे बहुत सारी चीजें पता चलेंगी बहुत सारे तौर तरीके वो ढूंढेंगे और ये तौर तरीके हम बहुत सदियों से अलग अलग तरीके से तुम लोगों की धरती पर हम भेज चुके हैं जताने के और उन्हें बताने के लिए हम बहुत सारी सारे तरीके अपना चुके हैं हज़ारों मतलब कई सौ सालों से पास्ट मैनी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तो एक्चुअली हज़ारों सालों से तो वो कहता है कि एक इंसान जब ये ढूंढने की कोशिश करता है या हमें स, आ, समझने की कोशिश करता है तो वो सही तरीके से जब आगे बढ़ेगा या इस दिशा में उन्नति करेगा तो उसे बहुत सारी ऐसी चीजें ऐसे सच मिलेंगे और समझ में आएंगे जो हम इतने हजारों सालों से या कई सौ सालों से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए अलग अलग जगह पे हमने निशान छोड़े हैं या चीजें छोड़ी हैं ताकि आप ढूंढो तो सही पता तो करने की कोशिश करो कि ये कितनी पुरानी है कहाँ से आई क्यों आई तो वो कहता है कि अगर कोई इंसान इस खोज में निकलता है और अगर वो किस्मत वाला है अगर उसकी किस्मत अच्छी है हो सकता है कि हमने कुछ ऐसी चीजें किताबें या आपके ग्रंथों में या किसी चीजों में कुछ ऐसे निशान छोड़े हैं या बातें बताने की कोशिश की हैं जो हम जैसे इस वक्त हम इस इंसान के थ्रू हम चैनल कर रहे हैं और बहुत सारी बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह पहले भी हम जो बहुत कुछ बता चुके हैं हो सकता है वो हमें ढूंढने निकले तो हमें हमारी वो पुरानी बातें या कही हुई चीज़ें उसे मिल जाए आपके इस धरती के लोगों को आम... ये जो तौर तरीका है सवाल करने का ढूंढने का जिज्ञासा सोचना यही चीज़ है जो हम इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं नेबुलस कांटेक्ट के द्वारा जनरेट बाय अ राधा नेबुलस कांटेक्ट व्हाट डज ही मीन बाय राधा नेबुलस कांटेक्ट चीज़ों के बारे में पूछने तलाशने और सोचने की यह स्थिति ठीक वही स्थिति है जिसे हमने अपने अब अप अस्पष्ट संपर्क से उत्पन्न करने का प्रयास किया है तो आ, वो कहता है कि ये हमेशा बहुत ही संतोषजनक होता है अगर एक अस्तित्व एक इंसान कुछ ऐसा ढूंढे अपनी मेहनत से बजाय इसके उसे वो सिखाया जाए उसे कहा जाए करने के लिए और जो उसकी मानसिक एक्टिविटी होती है मानसिक कार्य होते हैं जो वो करता है आ, या मानसिक एक्टिविटी रिक्वायर्ड मानस इसे ढूंढने के लिए एक इंसान को ये सब ढूंढने के लिए उसे जो मानसिक कार्य करने की जरूरत है और सच मूल सत्य ढूंढने की जरूरत है इस रचेता की इस रचना की तो उसे वक्त मिलता है कि वो इस बारे में सोचे इसमें इस पर ध्यान दे और अपनी सोच के हर बिंदु को अपनी सोच के हर बिंदु को ठीक से एग्जामिन करे मतलब कि उसको गहराई से वो नापे तोले सोचे उस बारे में कि वो कितना सही है कितना गलत है किस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में जा रहा है क्या वो सही है और उसको जितनी चीज़ें जो बताई जाती हैं दी जाती हैं मैं यहाँ हिंदी में पढ़ के बताती हूँ आपको शायद आपको बेहतर समझ में आए व्यक्ति को सृष्टि के मूल सत्यों को खोजने और खोजने के लिए आवश्यक मानसिक गतिविधि से उन्हें अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों में से प्रत्येक को अपने दृष्टिकोण से प्रतिबिंबित करने और जांचने का समय मिलता है यह उन प्रस्तावों की समझ में परिणत होता है जो किसी भी समझ को पार कर जाते हैं जिसे वह प्राप्त कर सकता है यदि वे प्रस्ताव अपेक्षाकृत कम समय में उसके लिए किए गए हों तो यही आ, मैंने समझाया कि जो कुछ भी उन लोगों ने इतने सालों में आ, बताने की कोशिश की हो सकता है वो उसे आ, उससे आगे बढ़ शायद वो कुछ आगे भी समझ जाए अगर वो कोशिश करे अ uh, बहुत थोड़े समय में दिस ऑफ कोर्स वुड हैव बीन नेसेसरी वी हैड लैंडेड अपॉन योर सरफेस एंड डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द पीपल ऑफ योर प्लेन द वेज ऑफ द कन्वर्सेशन अगर हम सीधे-सीधे तुम्हारी धरती के ऊपर आके लोगों से सामना करते और उन्हें बताने की कोशिश करते तो हां वो लोग यकीन भी करते उन्हें समझ भी आता लेकिन हमारा जो तौर तरीका है एक ग्रह के साथ उन्हें ज्ञान देने का उन्हें समझ देने का हमारे अस्तित्व के बारे में हमारे होने के बारे में या गैलेक्टिक कॉन्फेडरेशन के बारे में या हमारे किसी भी अलग अलग जातियों प्रजातियों के बारे में लोगों के बारे में ये बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड है मतलब हर है एक तरीका हम उसी तरीके से ये करते हैं तो इस वजह से हमने अपने इस कांटेक्ट को बहुत ही एक हद में रख के हम करने की हमने ठानी है कि हम इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे कि हम उन्हें टेलीपैथी के थ्रू हम उन्हें बताएंगे या हम उनके लिए निशान छोड़ेंगे अलग अलग तरीके के जैसे क्रॉप सर्कल्स छोड़ते हैं ये बाहर के देशों में बहुत छोड़े हैं आ, कई बार हिंदुस्तान में भी छोड़े हैं बहुत सारे पिरामिड्स या स्ट्रक्चर्स या मंदिर कह लो इजिप्ट के, के पिरामिड्स हैं या और बहुत सारी चीज़ें हैं स्टोन है या आ, ऐसे बहुत सारी चीजें जैसे माचू पिचू और पेरो में उन लोगों ने बहुत सारे ऐसी चीजें छोड़ी हैं बना बना के यूरोप में छोड़ी हैं तो इस तरह की हमने आ, तरीका अपनाया कि हम इसी स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे हम इस हद को पार नहीं करना चाहते और यही वजह है कि हमने अपनी बातचीत को या अपने बातचीत के तरीके को बहुत हद में रखा है हालांकि हमारे पास एक कम समय है एक थोड़ा सा ही वक्त होता है हमारे पास कि हम आप लोगों से मिल के चैनल के थ्रू या आपके टेलीपैथी के थ्रू दिमाग से जब बातें करते हैं आ, तो हम आपके साथ कांटेक्ट कर सकें आपसे बातचीत कर सकें उसके लिए हमारे पास समय बहुत कम होता है आ, जो कि हम चाहते हैं कि इस थोड़े से समय में हम आपके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जहां तक मुमकिन हो इस अनंत की के, के बारे में और उसके कार्य के बारे में और इंसान के कार्यों के बारे में सही तौर तरीके इंसान के कार्य के सही तौर तरीकों के बारे में हम आप लोगों को समझा सकें इसीलिए हम Uh, आपके आसमानों में बहुत सारे निशान uh, मतलब छोड़ेंगे या यूं कह लो कि बहुत सारे uh, प्रूफ छोड़ेंगे uh, प्रूफ को क्या बोलते हैं एविडेंस uh, इसलिए हम निकट भविष्य में आपके आसमान में और भी अधिक प्रमाण छोड़ेंगे और uh, आने वाले समय में और जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोग इस सत्य को जानने के लिए तैयार हैं और जो हम उनके लिए लाए हैं और कुछ सालों से उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हमने अपने कार्यकृति को बढ़ा दिया है और हम चाहते हैं कि हमारी इस इसे बढ़ाने का नतीजा ये होगा कि और ज्यादा से ज्यादा लोग हमें जानने और समझने की कोशिश करेंगे हम ये दृढ़ता से कहना चाहते हैं कि समझदारी सिर्फ तब आती है समझ सब आती है ज्ञान तब मिलता है या आपको सत्य तब पता चलेगा जब आप उसमें बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे तो उसके बिना अगर आप कोशिश नहीं करोगे जानने की समझने की आ, या मेहनत नहीं करोगे अपनी मानसिक कार्यकृति जो है आ, उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी समझदारी में उन्नति बहुत कम होगी बहुत कम फिर उसके बाद जनवरी 13, 1974 को अगले ही दिन दोबारा बातचीत होती है चैनलिंग होती है और फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर ओतवाना जो है अः वो क्राफ्ट से मैं बात कर रहा हूँ आपसे मतलब वो उड़न तश्तरी जो है उससे बात कर रहा हूँ और इस उड़न तश्तरी को आप लोगों ने ओतवाना नाम दिया है ये बहुत 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 बड़ा क्राफ्ट है अः उड़न तश्तरी है आप लोगों के माप तोल के हिसाब से और ये कई मीलों लंबा है इतना मीलों लंबा कि और हम इसके ऊपर कई सालों से हैं आपके धरती के ऊपर इस उड़न तश्तरी में हम कई सालों से रह रहे हैं ये अपने आप में एक दुनिया है जो हम एक गैलेक्टिक ट्रेवल इंटर गैलेक्टिक ट्रेवल इंटर गैलेक्टिक आपकी दुनिया इस शिल्प में नहीं गैलेक्टिक अंतरिक्ष यात्रा मतलब के एक अंतरिक्ष से दूसरे अंतरिक्ष में जाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं इस क्राफ्ट के ऊपर हमारे पास वो हर सुविधा है सुविधा है जो आपके धरती पर या आपकी दुनिया में है और उसके अलावा भी हमारे पास और बहुत सी सुविधाएं हैं तो आप समझ लो कि आपके झरने आपका पानी आपकी खेती आपकी घर आपके स्कूल आपके हॉस्पिटल जो कुछ भी एक इंसान को आज की दुनिया में जो शहरों में या छोटे शहरों में या गांव में रहते हैं और उनको जिन चीजों की जरूरत पड़ती है चाहे वो खाना है पानी है पीना है बाथरूम है खेत है पेड़ है पौधे हैं जो कुछ भी है वो सब कुछ कंप्यूटर है इंटरनेट है सब कुछ उनके पास इस उड़न तश्तरी में है और ये उड़न तश्तरी मीलों मतलब इतनी बड़ी होती है कि कई शहरों के ऊपर या आ, समझ लो कि अगर आप दिल्ली में हो तो और दिल्ली के ऊपर ठीक दिल्ली के ऊपर अगर ये उड़न तश्तरी का केंद्र है तो वो पंजाब हिमाचल राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को भी के भी कई हिस्सों को कवर कर ले इतनी मीलों मीलों लंबी होती है अगर वो गोल है तो मुझे नहीं पता वो गोल है या लंबी है पर वो कह रहा है कि ये काफी मीलों तक फैली हुई है उसके बाद तकरीबन एक महीने बाद फेबररी 11, 1974 को दोबारा चैनलिंग होती है और वो कहते हैं कि इस वक्त मैं एक ऐसे उड़न तश्तरी में हूं जिसे आप लोग उड़न तश्तरी कहते हैं क्राफ्ट में हूं जिसे आप लोग उड़न तश्तरी कहते हैं ये एक बहुत ही छोटा सा क्राफ्ट है, तकरीबन तीस फीट तीस फीट। अगर आप पांच फीट के या छह फीट के हैं तो आप समझ लो कि तीस फीट कितना लंबा होगा तो तीस फीट डायमीटर की है मतलब कि गोल है और तीस फीट की डायमीटर है और ये आपके धरती के किसी भी जगह पर आप कोई भी बिंदु धरती के ऊपर उंगली रख दें उस जगह पर हम इसे उतारने में काबिल हैं हम इसे उतार सकते हैं और हम जानते हैं कि इस वक्त हम जिसके द्वारा जिस इन शख्स के माध्यम से ये बातें कर रहे हैं उसे शायद हमारी इस बात में शक हो रहा हो या पूरा यकीन ना हो स्केप्टिसम स्केप्टिसिज्म हो आ, हमारी इस बात पे आ, आ, तो हम ये सलाह देते हैं कि वो जो भी है जिसके माध्यम से ये बोल रहे हैं और वो उलझ उलझ रहा है और परेशान हो रहा है कि ये क्या बोले जा रहा है तो ये करने की जरूरत नहीं है पूरी तरह आराम से रहें रिलैक्स करें और अपने दिमाग से हर तरह के सोच को निकाल दें इतना सोचने की जरूरत नहीं है तभी हम जो कहना चाहते हैं इसके द्वारा हम कह पाएंगे हम और हमारे कॉन्फेडरेशन के जो भाई बहन हैं भाई हैं यहाँ बहन कहा नहीं है पर मैं अनुमान लगा रही हूं कि बहनें भी होंगी उनके बच्चे भी होते होंगे वहीं पे उसी उड़न तश्तरी में इतने सालों से रह रहे हैं तो सभी कुछ होता होगा तो हम और हमारे भाई जो हैं जो अनंत रचेता की सेवा में हैं हम आपके आसपास आपके माहौल में या आपके आसपास ही है बहुत दूर नहीं है और हम आपके ग्रह के बाहर की जगह में भी हैं एटमोस्फियर क्या कहते हैं हिंदी में एटमोस्फियर वातावरण सॉरी सो हम आपके वातावरण में हैं और आपके ग्रह के बाहर के वातावरण में भी हैं और हम निरंतर आपके ग्रह का सर्वेलेंस कर रहे हैं मतलब देख रहे हैं पूरी तरह से आ, आ, लगातार निगरानी में रखे हुए हैं आपके ग्रह की लगातार निगरानी कर रहे हैं इतने सालों से और हम कभी भी आप जब भी कहो किसी भी समय आपकी किसी भी सेवा के लिए तैयार हैं जिस तरह से भी हम कर पाए या आपको जरूरत हो हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं इसके बाद 17 फरवरी 1974 को एक और और चैनलिंग होती है और उसमें वो शख्स ये नहीं कहता कि मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लान का अनंत रचेता का सेवक हूं वो ये कहता है कि मैं हैथन हूं मतलब मेरा नाम हैथन है आमतौर पे इनका जो भी नाम होता है वो पूरे के पूरे समाज का एक ही नाम होता है किसी के अलग अलग नाम नहीं होते जैसे हमारे धरती पे दिए गए सभी का एक ही नाम होता है मैं सोच रही हूं एक न्यूमरोलॉजिस्ट के तौर पे, कि यहाँ पर अलग अलग नाम होने की वजह से अलग अलग जन्म तिथि होने की वजह से सबकी किस्मत अलग होती है इनका तो पूरी प्रजाति का ही नाम हैथन है तो अगर हैथन है तो इसकी न्यूमरोलॉजी क्या होगी फाइव टू सेवन फोर फोर वन फाइव फाइव ओके खैर ओके थोड़ी आदत बन चुकी है मेरी तो फाइव दैट्स एन इंटरेस्टिंग नंबर तो वो कहता है कि मैं हैथन हूं मेरा नाम हैथन है वो मैं जब वो कहता है जैसे कि रा है वो कहता था वो रा ही कहता था लेकिन रा नाम के अलग अलग उनकी पूरी प्रजाति का नाम रा था तो रा के नाम पे कोई भी आके बात कर सकता था तो अब ये हैतौन जो है ये भी हैतौन कह रहा है पर क्या ये एक ही हैथन है या अलग अलग है देखते हैं आगे पढ़ते हैं पता चलेगा तो वो कहता है कि हम आपका अनंत रचेता के प्यार और रोशनी में स्वागत करते हैं या आपका नमन करते हैं ग्रीट का मतलब आई वुड से नमन करते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज शाम आपके साथ बिता रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम हर समय आपके साथ रहें और आपके साथ बिताएं हम जो कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स के अनंत रचेता के सेवा में आ, आए हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स का मतलब है कि ग्रहों के ऊपर जो सारे लोग हैं तो हर ग्रह का एक प्रतिनिधित्व कोई कर रहा होगा इस ग्रह का कोई कर रहा होगा और वो सब मिलकर उनका एक कॉन्फेडरेशन बना है जैसे कि हमारा फोरम होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो वो हर अलग अलग देश से अलग अलग प्रतिनिधि होते हैं और उनका एक फोरम बनता है ऐसा मुझे लगता है मैं गलत भी हो सकती हूँ आगे पढ़ते हैं पता चल जाएगा तो हम ग्रहों के कॉन्फेडरेशन के आम, से अनंत रचेता की सेवा में यहाँ पे आपकी सेवा में आए हैं और कभी कभी ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए हमने बहुत बार आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है अलग अलग तरीकों से और हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए मतलब हमें सक्सेसफुल को क्या बोलते हैं सॉरी सक्सेसफुल कामयाब हाँ थैंक यू हाँ, हाँ, कामयाब नहीं हो पाए <laughs> Uh, कामयाब नहीं हो पाए और uh, कई बार ऐसा भी हुआ है uh, कुछ uh, किस्सों में गलत फहमी हो गई है हमारी बातचीत के बारे में हम कई uh, बार हमने जब कुछ बोलने की कोशिश की तो हमारी बात को मरोड़ तरोड़ के दर्शाया गया uh, उस इंसान की शायद गलती नहीं थी कांटेक्टी ऑफ व्हाट वी वुड ब्रिंग टू पीपल ऑफ दिस प्लेनेट थ्रू नो फॉल्ट ऑफ द कांटेक्टी हमारे संपर्कों के बारे में गलत फहमी हुई कुछ मामलों में इस ग्रह के लोगों के लिए हम जो कुछ भी लाएंगे उसके बारे में संपर्क करता की कोई गलती नहीं होने के कारण गलत बयान बयानी हुई है गलत फहमी हुई है सीधे लफ्जों में तो हम आप लोगों के पास एक चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये कोशिश बड़े तरीकों से बहुत तौर तरीकों से कर चुके हैं आ, और फिर भी हम एक चीज है जो हम आपके पास लाना चाहते हैं इस समय में और वो चीज है प्यार गॉड मतलब ये पढ़ के ना मतलब मेरा ऐसा दिल भराया ना कि मैं क्या बोलू मैंने मुझे लग रहा था कि ये प्यार बोलने वाला है लेकिन वो सचमुच पढ़ के मेरा एकदम दिल भराया और वो कहता है हम सिर्फ आपके लिए प्यार लाना चाहते हैं आपको प्यार देना चाहते हैं आपकी सेवा करना चाहते हैं और इतना ही करने की जरूरत है कि जब आपको ये प्यार मिले या आप इसे समझें तो तब आप हमें समझ पाएंगे तब आप हमें ढूंढ ढूंढ पाएंगे और जो आप चाह रहे हैं जिंदगी में जो आप ढूंढ रहे हैं उसकी आपको तब समझ में आएगा जब आप प्यार से कार्य करेंगे या प्यार से जिएंगे या प्यार को समझना हम इंसानों के लिए इतना मुश्किल क्यों है क्यों नहीं समझ पाते हैं हम हम क्यों प्यार के अलावा हर चीज को समझ लेते हैं गुस्सा नफरत शक शुभा हर चीज घमंड अभिमान सिर्फ एक प्यार की तो कमी है और हर शख्स दुनिया में अंततः सिर्फ प्यार ही ढूंढ रहा है हर इंसान को प्यार ही चाहिए आप किसी भी तरीके से आप सोच के देख लो कोई कितना भी अमीर और पैसे वाला भी हो जाए कितना भी कामयाब हो जाए जिंदगी में उसे फिर भी कोई तो चाहिए ना अपनी कामयाबी और अपना पैसा और अपनी खुशियां बांटने के लिए अपने दर्द और दुख बांटने के लिए और वो आप सिर्फ उसी इंसान के साथ बांटना चाहोगे जो या आपको प्यार दुख और दर्द आप उसके साथ बांटते हो जो आपको प्यार करता है खुशियां आप उसके साथ बांटते हो जिसे आप प्यार करते हो तो ये दोनों एक ही क्यों नहीं हो सकते क्यों एक ही इंसान के साथ प्यार बांटा नहीं जा सकता बिना किसी जजमेंट्स के बिना किसी शर्तों के हर चीज में शर्त क्यों होती है खैर बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया ये कितने मिनट हो गए छब्बीस मिनट हो गए और मेरे ख्याल से आज के लिए ये काफी है uh, मेरे रोम रोम में ये पढ़ने के बाद और ये सुनने के बाद और समझाने के बाद वो आज के लिए इतना काफी है अगर हो सका तो मैं एक रिकॉर्डिंग और थोड़ी देर बात करने की कोशिश करूंगी थोड़ा खुद को संभाल लू आई डोंट टू बी अगेन क्राइंग ऑन द स्क्रीन गुड बाय एंड आई होप आपको समझ में आया कि हमें क्या करने की जरूरत है इस चीज को मैं मैं इस सेशन को इसलिए यहां पर रोक रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप इस चीज को थोड़ा डाइजेस्ट करें हजम करें समझें सोचें जिंदगी का सबसे सबसे जरूरी सबक है एक ये सबक हमने सीख लिया तो समझो हमने जिंदगी जीत ली जिंदगी सफल हो गई गुड नाइट